दोस्तों आज के इस वक्त में लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स वीडियो गेमिंग है और आजकल वीडियो गेमिंग में सबसे ज्यादा खेली जाने वाले गेम है गरेना फ्री फायर। आज पूरी दुनिया में ये गेम वीडियो गेमिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली गेम है। इस गेम को बनाने वाले फॉरेस्टली इस गेम को बनाने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेस्टली के लाइफ स्टाइल लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाले है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ली का फुल नेम है फॉरेस्ट जियाडोंग ली और उनका निकनेम है फॉरेस्ट ली। दोस्तों फॉरेस्ट ली का जन्म 1977 को तियानजिन चाइना में हुआ और 2021 के हिसाब से 43 वर्ष के हैं। बात करें इनके प्रोफेशन की, ये प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है। दोस्तों बात करते हैं फॉरेस्ट ली के पढ़ाई के बारे में। फॉरेस्ट ली ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की शांघाई जियाटोंग यूनिवर्सिटी से और अपनी एमबीए की डिग्री हासिल की स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से। दोस्तों बात करते हैं फॉरेस्ट ली के करियर के बारे में। दोस्तों फॉरेस्ट ली को बचपन से ही गेम खेलने का बहुत शौक था और वो बड़े होकर गेम बनाना चाहते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट ली शॉपी और गरेना जैसी कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों गरेना कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी और ये कंपनी सिंगापुर में स्थित है। ये कंपनी मुख्य तौर पर ई कॉमर्स, ई स्पोर्ट्स और फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। गरेना कंपनी फ्री फायर गेम को बनाने से पहले बहुत सारे पॉपुलर गेम बना चुकी थी, जिनमें फीफा ऑनलाइन 3, अरिना, बेलर, हेडशॉट, कॉन्ट्रा जैसी गेम शामिल है। फ्री फायर गेम को लॉन्च करने से पहले गरेना कंपनी ज्यादा फेमस नहीं थी, लेकिन 2017 में जब से गरेना कंपनी ने फ्री फायर को मार्केट में उतारा उसके बाद से कंपनी को एक अलग ही पहचान मिली। फॉरेस्ट ली जो कि गरेना कंपनी के मालिक हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले फ्री फायर गेम को बनाने का आइडिया आया। फॉरेस्ट ली ने जब ये देखा कि पबजी गेम जो 2017 तक पीसी और एक्सबॉक्स के लिए अवेलेबल था, और इसी बीच उन्हें ये आइडिया आया पबजी जैसा ही बैटल रॉयल गेम वो फोन यूजर्स के लिए भी बना सकते हैं, कि वो मार्केट में दूसरे गेम्स जैसे कि पबजी और फोर्टनाइट से बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने नोटिस किया था कि पबजी गेम में बहुत सारे ग्लिचेज होते हैं और वो गेम मिड रेंज फोन में भी नहीं चलती थी। ऐसी ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फ्री फायर गेम को ऐसा बनाने का सोचा जो हर फोन में चल सके, फिर चाहे वो मिड रेंज फोन ही क्यों ना हो। इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए गरेना की दो पैरेंट कंपनीज 11 डॉट्स और ओमेंस स्टूडियो को फ्री फायर गेम का डेवलपमेंट का काम दे दिया गया और 4 दिसंबर 2017 को फ्री फायर को वर्ल्ड वाइड एंड्रॉइड और iOS के लिए लॉन्च किया गया। फ्री फायर गेम का कंसेप्ट बिल्कुल पबजी जैसा ही था, लेकिन फॉरेस्ट ली ने इसके ग्राफिक और डिजाइनिंग में काफी अच्छे और महत्वपूर्ण बदलाव किए। 2017 में लॉन्च होने के बाद से ये गेम 22 देशों में नंबर 1 गेम बन गया। फ्री फायर गेम को बनाने के बाद गरेना कंपनी को बहुत सारी प्रॉफिट हुई। फ्री फायर गेम को बनाने का श्रेय जाता है फॉरेस्ट ली को, जिनकी ये मेहनत की वजह से ही फ्री फायर गेम बना है। तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट ली के परिवार के बारे में। फॉरेस्ट ली शादीशुदा है और इनकी पत्नी का नाम है लिकियन मा। दोस्तों अब बात करते हैं फॉरेस्ट ली के हाउस के बारे में। फॉरेस्ट ली का हाउस सिंगापुर में है और उनकी हाउस की कीमत है $70 मिलियन और फॉरेस्ट ली इस हाउस में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जैसे कि आप इन फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं फॉरेस्ट ली के कार कलेक्शन के बारे में। इनकी पहली कार है फरारी अपटूबल TDF जिसकी कीमत है 4.71 करोड़ रुपीज। इनकी दूसरी कार है BMW 760 Li जिसकी कीमत है 2.44 रुपीज और इनकी थर्ड कार है रेंज रोवर बोग्यू जिसकी कीमत है 1.96 करोड़ रुपीज। तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट ली के इनकम के बारे में। फॉरेस्ट ली एक बिजनेसमैन है और वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों से बहुत सारे पैसा कमाते हैं और वो फ्री फायर से भी बहुत सारे पैसा कमाते हैं। फॉरेस्ट ली एक महीने में $70 मिलियन से ज्यादा पैसे कमाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं फॉरेस्ट ली के नेटवर्थ के बारे में। फॉरेस्ट ली की नेटवर्थ है $13.5 बिलियन। तो दोस्तों ये थी फॉरेस्ट ली की लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टोरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस सेलिब्रिटी के ऊपर बनाए।